नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सिंह रघुवंशी अपने YouTube चैनल आर्य अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कैलेंडर के बारे में, वो कैलेंडर का पार्ट वन था। उसमें मैंने आपको बताया था कौन सा कैलेंडर हम यूज़ करते हैं और कैलेंडर के छोटे मोटे कॉन्सेप्ट जैसे कि लीप ईयर का कॉन्सेप्ट, परिक्रमण क्या होता है, परिभ्रमण क्या होता है, इन सब चीज़ों पर हमने चर्चा किया था। पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पुटअप किया था कि कितने दिनों के बाद, कितने सालों के बाद कोई कैलेंडर अपने आप को रिपीट करता, मतलब आइडेंटिकल कैलेंडर का क्या कॉन्सेप्ट होता, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, मैंने पहले से यहाँ पे 1996 से लेके 2030 तक जो पहला दिन होगा, 1 जनवरी किस दिन आएगा, उस पर अभी हमने उसको लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, वो किस तरीके से करते हैं मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कोई भी ईयर, कोई भी साल अगर वो ऑर्डिनरी ईयर है, अगर वो लीप ईयर नहीं है, तो उसका पहला दिन और आखिरी दिन दोनों सेम डे को पड़ेगा। सपोज अगर 96 की मैं बात करूं, अगर यहां पे मंडे को 1 जनवरी पड़ रहा है, और चूंकि ये हमारा लीप ईयर है, अभी इसको हम छोड़ देते हैं, 97 अगर है, अगर ये वेंसडे को यहाँ पे 1 जनवरी पड़ता है, तो वेंसडे के दिन ही यहाँ पे 31 दिसंबर भी पड़ेगा। बट लीप ईयर के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, लीप ईयर के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि एक दिन बाद 31 जनवरी आती है। सपोज 96 की मैं बात करूं, 96 लीप ईयर है, तो यहाँ पे मंडे को 1 जनवरी पड़ रही है, लेकिन 31 दिसंबर जो पड़ेगा वो मंडे को नहीं पड़ेगा, वो ट्यूजडे को पड़ेगा। तो इस तरीके से एक हमने स्टडी करा हुआ, एक पैटर्न हमने बनाया हुआ, उसको हम एक बार स्टडी करते हैं। ठीक है, 96 में 1 जनवरी मंडे को पड़ रहा है, 97 में वेंसडे को पड़ रहा है, 98 में थर्सडे को पड़ रहा है, 99 में फ्राइडे को पड़ रहा है। ठीक है, 2000 लीप ईयर आया, फ्राइडे के बाद सैटरडे को पड़ रहा है, लेकिन लीप ईयर के बाद जब 2001 में हम जाएंगे तो एक दिन का गैप हो जाएगा, सैटरडे के बाद मंडे को यहाँ पे 1 जनवरी पड़ रहा है। सो ऑन अगर आप देखते जाएंगे 2030 में हम जो है ट्यूजडे को 1 जनवरी पड़ रहा है। ठीक है, अब हम एक पैटर्न पे स्टडी करते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिकल कैलेंडर्स कब होते हैं। ठीक है, चलो मैं 96 की बात करता हूं जो कि लीप ईयर है, राइट, 96 लीप ईयर है। अगर 1 जनवरी को सेम डे पड़ रहा है कहीं पे, ठीक है, और दूसरे साल किसी साल में भी 1 जनवरी को सेम डे पड़ रहा है, तो हो सकता है कि वो कैलेंडर आइडेंटिकल हो। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि हो, क्योंकि लीप ईयर जो होगा हमेशा आइडेंटिकल होगा, लीप ईयर के साथ ही होगा। ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर के साथ कभी भी कैलेंडर लीप ईयर का आइडेंटिकल नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहां आप देख पा रहे हो कि 96 में मंडे था, ठीक है, और यहां पे 2001 में 1 जनवरी को भी मंडे है, ठीक है, बट ये ऑर्डिनरी ईयर है। ठीक है, तो ये कैलेंडर कभी भी मैच नहीं कर सकता, ये आइडेंटिकल नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई भी लीप ईयर का कैलेंडर कभी भी किसी ऑर्डिनरी ईयर के कैलेंडर से पूरा का पूरा मैच नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें फरवरी में लीप ईयर में 29 डेज होते हैं, इस वजह से फिर 29 के बाद जैसे 29 को जो डे होगा वो तो ऑर्डिनरी ईयर में होगा नहीं। उसके बाद 1 मार्च की अगर आप बात करोगे तो एक दिन ज्यादा हो जाता है लीप ईयर में। ठीक है, तो वो कभी भी मैच नहीं कर सकता। आते हैं दूसरी चीजों पर, आते हैं 97 में वेंसडे था, 1 जनवरी को 97 में वेंसडे था, अभी हम देख पा रहे हैं वेंसडे कहां आ रहा है, वेडनेसडे यहां पे आ रहा है 2003 में। ठीक है, ये भी लीप ईयर नहीं है, ऑर्डिनरी ईयर है, ये भी ऑर्डिनरी ईयर है, ये कैलेंडर बिल्कुल मैच होगा, बिल्कुल मैच होगा, ये दोनों कैलेंडर आइडेंटिकल होगा। 97 का कैलेंडर, 1997 का कैलेंडर और 2003 का कैलेंडर आइडेंटिकल कैलेंडर होगा, मतलब कि 1 जनवरी को जो दिन होगा वेडनेसडे, ठीक है, वो दोनों में सेम होगा, और 31 दिसंबर को भी वेडनेसडे दोनों में सेम होगा, इसके बीच में जितनी भी तारीखें हैं उस दिन पे सेम डे होगा, उस तारीख पे सेम डे होगा, ये मैच करेगा। ठीक है, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हर 1 2 3 4 5 6 हर 6 ईयर के बाद आपका कैलेंडर मैच करेगा, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 देखिए, यहां पे वेडनेसडे है 2003 में, यहां पे थर्सडे है, ये मैच नहीं हो रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि हर 6 ईयर्स पे ऑर्डिनरी ईयर का कैलेंडर मैच होगा? नहीं होगा, कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। चलिए दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
कभी आपने सुना होगा, किसी वीडियो में देखा होगा, किसी किताब में पढ़ा होगा कि 7 ईयर्स के गैप पे शायद कैलेंडर मैच होते हैं, ठीक है, या 11 ईयर्स के गैप पे होते हैं, ठीक है। आइए स्टडी करते हैं, 7 ईयर्स की गैप की बात करते हैं। 96 में मंडे था, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहां पे वेडनेसडे है, 7 ईयर्स पे ये मैच नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं, 97 वेडनेसडे है, 2004 थर्सडे है, यहां भी मैच नहीं हो रहा है। चलो और आगे आते हैं, 2004 थर्सडे है, 7 2011 सैटरडे है, नहीं मैच हो रहा है। मतलब 7 ईयर्स पे कैलेंडर मैच नहीं हो सकता, आइडेंटिकल कैलेंडर आपको नहीं मिलेगा, नो आइडेंटिकल कैलेंडर। चलिए अब आगे आते हैं, 11 ईयर्स में क्या कैलेंडर मैच होता है? जी कभी कभी होता है, ठीक है, बट उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आओ देखते हैं, 1996 में मंडे है, ठीक है, 11 ईयर्स की बात करें तो शायद 2007 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, ये मंडे है, ठीक है, क्या ये दोनों कैलेंडर मैच कर सकते हैं? क्या 2007 का कैलेंडर 96 से मैच हो सकता है जबकि 1 जनवरी को मंडे है दोनों जगह पे? नहीं हो सकता, बिकॉज कि ये लीप ईयर है, 96 इज लीप ईयर एंड 2007 इज नॉट लीप ईयर, दिस इज ऑर्डिनरी ईयर, कभी भी मैच नहीं कर सकता ये कैलेंडर। 11 ईयर्स का की कॉन्सेप्ट जो है वो हमेशा सही नहीं हो सकता है, ठीक है। आइए मैं बात करता हूं 2000 की, ये भी लीप ईयर है, 2011 में आप देखिए सैटरडे आ रहा है फर्स्ट डे को, ठीक है, यहां भी सैटरडे आ रहा है, बट ये मैच नहीं कर सकता क्योंकि 2011 इज ऑर्डिनरी ईयर, 2000 इज सैटरडे, 2000 इज लीप ईयर, ठीक है, तो ये मैच नहीं कर सकता। दो कैलेंडर अगर एक लीप ईयर हो एक ऑर्डिनरी ईयर हो तो कभी भी आइडेंटिकल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहां से हमें एक कॉन्सेप्ट मिलता है, ठीक है, कोई भी दो कैलेंडर जिनके बीच में 11 ईयर्स का गैप हो, ठीक है, और अगर उसमें से दोनों ऑर्डिनरी ईयर हो तो कैलेंडर मैच करेगा। उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शंस भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले आप देखिए, मैं बात करता हूं 2001 की, ऑर्डिनरी ईयर है, मंडे है, 11 ईयर बाद 2012 आएगा, ओके, ये मैच नहीं हो रहा है, ये भी मैच नहीं हो रहा है क्योंकि ये लीप ईयर है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, ये लीप ईयर है, 2012 लीप ईयर है, नहीं मैच कर सकता। 2003 लेते हैं, वेंसडे है, इसमें 11 आप ऐड करिए, 2014 आ गया, 2014 ये कैलेंडर बिल्कुल मैच करेगा, ये कैलेंडर बिल्कुल मैच करेगा, कौन सा कैलेंडर? 2003 और 2014 का कैलेंडर बिल्कुल मैच करेगा। आप देखिए 2003 एंड 2014 ये दोनों कैलेंडर बिल्कुल आइडेंटिकल कैलेंडर होंगे। इसमें गैप कितना? इसमें गैप है 11 इयर्स का, ठीक है, ये भी ऑर्डिनरी ईयर है और ये भी ऑर्डिनरी ईयर है, ये दोनों कैलेंडर बिल्कुल मैच होंगे, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, दोनों कैलेंडर आइडेंटिकल्स होंगे, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिलता है कि 11 इयर्स के बाद कैलेंडर मैच हो सकते हैं, लेकिन उसमें दोनों जो इयर्स होने चाहिए, दोनों इयर्स जो होने चाहिए वो ऑर्डिनरी ईयर होने चाहिए, लीप ईयर नहीं होने चाहिए। कुछ और स्टडी इसके आगे का पैटर्न में चेक कर लेता हूं, 2004 अगेन दिस इज लीप ईयर, 2005 सैटरडे 16 लीप ईयर आ जाएगा, 2006 की मैं बात कर लेता हूं, संडे पड़ रहा है, 2006 में इसमें 11 ऐड करेंगे, 2017 आएगा, आप देखिएगा 11 इयर्स हमने ऐड करा हुआ है, ये दोनों कैलेंडर मैच हो जाएंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल कैलेंडर्स हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल कैलेंडर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है ऑर्डिनरी ईयर्स हैं, दोनों 2017 की बात करो या 2006 की बात करो, दोनों जो है ऑर्डिनरी ईयर है, इसलिए ये कैलेंडर मैच करता है। आइए 2007 पे हम गौर करते हैं, 2007 प्लस 11 2018,
मंडे 2018 में जो 1 जनवरी होगा मंडे को होगा, और यहां पे जो 1 जनवरी है वो मंडे को है। इट मींस ये दोनों कैलेंडर मैच करेंगे, क्योंकि दोनों जो ऑर्डिनरी ईयर हैं, कोई इसमें लीप ईयर नहीं है, दोनों मैच करेगा। ठीक है, इसके बाद मैं आ जाता हूं, चलो 2010 की बात कर लेता हूं। 2010 को फ्राइडे है, 11/8 करिए 2021, ये भी फ्राइडे है, 1 जनवरी फ्राइडे को पड़ रहा है, 1 जनवरी फ्राइडे को पड़ रहा है। कोई भी ईयर इसमें 2021 की बात करो या 2010 की बात करो, कोई भी ईयर लीप ईयर नहीं है, दोनों कैलेंडर आइडेंटिकल होगा। इसमें कोई फंड बट नहीं है कि दोनों कैलेंडर आइडेंटिकल नहीं होगा। चलिए अब इसमें क्या आते हैं, कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या है, अगर आप किसी ट्रांजिशन फेज की बात करोगे, पहला तो यही हो गया कि इसमें दोनों लीप ईयर होने चाहिए, मतलब आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते हो कि 11 इयर्स के बाद जो है कैलेंडर रिपीट करेगा, नहीं कह सकते हो, क्योंकि उसमें एक्सेप्शंस हैं, बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। यहां पे आपने देखा कि जब लीप ईयर कोई एक हो जाता है तो उसमें फिर दूसरा आपको मैच नहीं हो सकता, आइडेंटिकल नहीं हो सकता। कभी कभी ट्रांजिशन फेजेस होते हैं, ट्रांजिशन फेजेस मतलब कि एक सदी से दूसरे सदी में जब आप जाते हो, राइट। जैसे मैं बात करूं कि अगर आप जो है 2096 है, 2097 है, 2098 है, 2099 है, उसके बाद आ गया 2100 आ गया, ठीक है, 2101, 2102, 2103, 2104, ठीक है। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो यहां पे 11 इयर्स का फंडा नहीं यूज हो पाएगा, ठीक है। उसके लिए मैं आगे बताता हूं क्या हो सकता है, ठीक है। 11 इयर्स के लिए बहुत सारे एक्सेप्शन है, वो मैंने आपको बता दिया। तो आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते हो कि 11 इयर्स के बाद कैलेंडर मैच करेगा, ठीक है। मतलब आपको कोई एक आंसर चाहिए कि कितने साल के बाद कैलेंडर मैच करता है। मैं अभी उस पर आता हूं, आगे बढ़ते हैं। अब एक पैटर्न पे स्टडी और करते हैं हम लोग, ठीक है। ये पैटर्न क्या है, ये पैटर्न है, हम 28 इयर्स के गैप पे देखेंगे क्या आता है, ठीक है। लेट्स सी, चलिए देखते हैं। हम अब बात करेंगे 28 इयर्स के गैप पे क्या होता है, ठीक है। चलिए स्टडी करते हैं, पैटर्न चेक करते हैं पहले, ठीक है। 1996 में 1 जनवरी को मंडे था, ठीक है, ये है, ये फैक्ट है, मैंने ये फैक्ट लिया हुआ, ऐसा नहीं कि मैंने जबरदस्ती मंडे लिया हुआ, ठीक है, ये फैक्ट है, उस दिन मंडे था, ठीक है। 96 में अगर आप 28 ईयर बाद की बात करते हो, 96 से 28 इयर्स में 24 की बात हो जाएगी, 2024, ठीक है, उस दिन भी मंडे है, ठीक है। अब आप देखिएगा, ये दोनों लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है और 96 भी लीप ईयर है, ये दोनों कैलेंडर्स जो है आइडेंटिकल होगा, 100% शोरूम है, आप देखिएगा, ठीक है। आते हैं 97 वेंसडे था, 2025 आप 28 इसमें जोड़ेंगे, 28 जोड़ेंगे, आ जाएगा 2025 वेंसडे है, ये दोनों आइडेंटिकल कैलेंडर है। इसके बाद देखिए 98 है तो थर्सडे, ठीक है, 98 में थर्सडे, इधर 2026 में थर्सडे, 99 में फ्राइडे है, यहां पे फ्राइडे, 2000 में सैटरडे है, यहां पे 2028 में सैटरडे है, 28 इयर्स का गैप है। 2001 में अगर आप बात करोगे तो यहां पे मंडे है और यहां 29 में भी मंडे है, ये सब कैलेंडर आइडेंटिकल कैलेंडर है। कहने का मतलब ये है, कोई भी साल हो, चाहे वो ऑर्डिनरी ईयर हो चाहे लीप ईयर हो, 28 इयर्स के बाद सेम कैलेंडर आएगा, दोनों कैलेंडर आइडेंटिकल होंगे, 28 साल पहले के और 28 साल बाद के। चलो इसमें भी क्या कोई एक्सेप्शंस है, जी हां इसमें भी एक्सेप्शंस हैं। आप ट्रांजिशन फेज के अभी जो मैंने बात किया था वहां पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन अभी मैं बताऊंगा और उसके पीछे क्या। तो क्या आपका जो क्वेश्चन है कि कितने साल के बाद कोई कैलेंडर आइडेंटिकल होता है, तो उसका बिना एक्सेप्शन के कोई आंसर है, जी हां है, मैं अभी आता हूं उस पॉइंट पे। पहले आपको मैं ट्रांजिशन फेज पे देख लेता हूं कि किस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं रिमूव करता हूं। चलिए 28 इयर्स के गैप पे देखते हैं किस तरीके का पैटर्न हमें मिलता है, ठीक है। अगर आप शुरुआत में देखोगे तो हमेशा आपको आइडेंटिकल कैलेंडर ही मिलेगा, अगर लीप ईयर है तो 28 अगर उसमें आप ऐड करोगे तो लीप ईयर ही आएगा, और अगर ऑर्डिनरी ईयर है उसमें आप 28 ऐड करते हो तो ऑर्डिनरी ईयर आएगा और कैलेंडर दोनों सेम आएगा।
लेकिन इसमें एक्सेप्शंस क्या है, एक्सेप्शंस पे हम लोग गौर कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ट्रांजिशन जो होता है जहां पे एक सदी से दूसरे सदी की तरफ कैलेंडर मूव हो रहा है। सपोज अगर आप जो है 2000 से 2100 की तरफ जा रहे हैं, मतलब 2099 हो गया, उसके बाद 2100 की तरफ जब आप जाते हो, या 2199 से अगर आप जो है आगे बढ़ते हो 22 पे, तो इस वाले बीच में यहां पे ट्रांजिशन फेज में ये फॉलो नहीं होता है। आप देखो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। 2000 में 1 जनवरी को सैटरडे था, ठीक है, 2028 में भी 1 जनवरी को सैटरडे मिलेगा, इसमें 28 ऐड किया, यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा, लेकिन जैसे ही यहां पे ट्रांजिशन हुआ, आप देखो यहां पे 21वीं सदी से आप 22वीं सदी में जा रहे हो, ठीक है, यहां पे सैटरडे नहीं मिलेगा। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं, ठीक है। बहरहाल आप ये याद करिए कि अगर ट्रांजिशन नहीं हो रहा है तो उस बीच में जो फेज है, मैं बोल रहा हूं करीब आप मान के चलो कि 96 इयर्स का, मान लो 90 इयर्स का फेज मान लो किसी एक सदी में, ठीक है, तो हर 28 साल पे कैलेंडर रिपीट होगा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। हर 28 इयर्स पे कैलेंडर रिपीट होगा। हो सकता है कि कभी जो है ट्रांजिशन फेज में भी कैलेंडर रिपीट हो सकता, वो कब होता है, वो तब होता है जब आपका जो सेंचुरी है वो जो है लीप ईयर हो। सेंचुरी मींस की अगर 1200 की बात कर लो, ठीक है, 1600 की बात कर लो, 2000 की बात कर लो, अगर ये लीप ईयर है तो इस बीच में, मतलब कि आप, अगर मैं बात करूं यहां पे आप 1150 से लेके या उससे पहले से भी लेके अगर आप जो है 1296 तक आप देखोगे तो ये कैलेंडर 28 इयर्स के गैप पे मैच करेगा, ठीक है। अगर लीप ईयर नहीं है तो मैच नहीं करेगा। बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब ऐसा क्यों है, इस पे हम गौर करते हैं। अभी तक हमने ये सीखा था कि लीप ईयर में क्या होता था कि 366 डेज होते हैं, मतलब 365 नहीं 366 डेज होते हैं, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो रिवोल्यूशन है, जो रिवॉल्व होती है पृथ्वी सूर्य के अराउंड, तो वो कितना दिन लेती है, जो एवरेज ईयर हम मानते हैं वही मानते हैं 365 ईयर सॉरी डेज एंड 6 आवर्स मानते हैं। हमने हमेशा पिछले वीडियो में बताया था वो 6 आवर्स अप्रोक्सीमेट है, 365 डेज एंड 6 आवर्स जो है वो अप्रोक्सीमेट है। हमने पिछले वीडियो में बार बार बोला हुआ है अप्रोक्सीमेट है। यही रीजन है कि यहां ट्रांजिशन के फेज में कैलेंडर आइडेंटिकल नहीं होते हैं, वहां पे थोड़ी सी आपको एबनॉर्मेलिटीज नजर आएंगी, ठीक है। आते हैं आगे, ऐसा क्यों होता है और उसका क्या उपाय है, ठीक है। एक सिनेरियो हमने लिया हुआ है, ठीक है, अलग अलग हमने जो है यहां पे ईयर्स लिखे हुए हैं, 2096, 97, 98, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या एबनॉर्मेलिटीज हैं, ठीक है। आप यहां पे अगर गौर से देखोगे कुछ चीजें जो है आपको शायद अभी पता चले कि ये जो है एक्चुअल जो हम एक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, तो वो यहां पे फॉलो नहीं हो रहा है, आप देखिएगा, ठीक है। दिस इज लीप ईयर, 2096 इज लीप ईयर, ठीक है, 97 ऑर्डिनरी ईयर है, 98 ऑर्डिनरी ईयर है, ओके, 2099 ये भी ऑर्डिनरी ईयर है, 2100 जो है ये लीप ईयर नहीं है। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, बट हमने आपको बताया था सेंचुरी के केस में 400 के मल्टीपल में जो ईयर्स होंगे वही लीप ईयर होता है। 2100 इज नॉट लीप ईयर, दिस इज ऑल्सो ऑर्डिनरी ईयर, ये भी ऑर्डिनरी ईयर है, ये भी ऑर्डिनरी ईयर है, ये भी ऑर्डिनरी ईयर है, ये लीप ईयर है। आप यहां पे देखोगे एबनॉर्मलिटी क्या है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ईयर्स के बाद आपको जो है यहां पे लीप ईयर मिल रहा है। आप देखो यहां पे 96 में 8 ईयर्स के बाद, 96 से अगर आप काउंट करोगे 2096 से, तो 8 ईयर्स के बाद आपको लीप ईयर मिल रहा है।
इस वजह से ये एबनॉर्मेलिटीज आती रहती हैं, ठीक है। अगर अभी तक जितना कॉन्सेप्ट मैंने आइडेंटिकल के लिए आपको बताया है, चाहे वो 11 ईयर का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो 28 ईयर्स का कॉन्सेप्ट हो, इसीलिए इस वाले फेज में वो फॉलो नहीं करती हैं। उसके बाद पूरा रिजल्ट आपका अलग आता जाएगा। अगर 28 ईयर्स की बात करते हो आप, 2028 में सेम होगा, 56 में सेम होगा, प्लस 28 जाओगे ये भी सेम होगा। इसके बाद अगर यहां पे अगर 2100 समथिंग आया तो यहां पे ये सेम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद चीजें जो होंगी इसके अकॉर्डिंग चलेंगी, फिर इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगी। तो यहां पे 28 इयर्स का कॉन्सेप्ट आपका यहां पे जो है खत्म हो जाता है, ठीक है। जहां पे ट्रांजिशन का फेज हो एक सदी से दूसरी सदी में, और जो सदी आ रही है वो अगर लीप ईयर नहीं है तो 28 ईयर का कॉन्सेप्ट वहां फॉलो नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। अब आगे का क्वेश्चन है कि क्या कोई एक नंबर ऐसा है कि जिसको ऐड करने से या जिसको माइनस करने से हमें आइडेंटिकल ईयर्स मिलते हो। जी हां, आपको वो समझने के लिए पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं कि लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है। अभी लीप ईयर का कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में, वो एक लेमैन की लैंग्वेज में बताया था, वो नॉर्मल आपको समझने के लिए बताया था। लेकिन चूंकि आपको मैंने यहां पे दिखा दिया कि हर 4 साल बाद जो होता है लीप ईयर, जरूरी नहीं है वो उसके पीछे रीजन क्या है, उस रीजन पे गौर करते हैं, वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है, उस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए लीप ईयर की बात करते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आज आपको बताऊंगा कि कैलेंडर में मैजिकल नंबर क्या होता है, ठीक है। कैलेंडर में जो मैजिकल नंबर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा जो कैलेंडर का बेस बना हुआ है इसी मैजिकल नंबर पे बना हुआ है, ठीक है। आज का ये जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। ये जो मैजिकल नंबर होता है ना कैलेंडर का, वो होता है 400 इयर्स का, ठीक है। ये क्यों होता है उस पर अभी डिस्कशन करेंगे। पहले क्या था कि जूलियन कैलेंडर यूज होता था यूरोप में, और वहां पे प्रॉब्लम क्या आती थी, हमेशा जो है ईस्टर के समय जो है उनको जो है पता नहीं होता कि ईस्टर कब होता, तो उनका पूरा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाता था। इक्विनॉक्सेस क्या होते हैं, इक्विनॉक्सेस में दिन और रात बराबर होता है। उस समय माना यह जाता है, उस समय होता यह है कि इक्वेटर के ठीक ऊपर सन होता है, ठीक है, इक्वेटर के ऊपर ठीक सन होता है, तो उस समय दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। साल में 2 बार इक्विनॉक्सेस होते हैं, एक होता है 20 मार्च को, दूसरा होता है 23 सितंबर को, ठीक है। जूलियन कैलेंडर में इसका जो कैलकुलेशन था इक्विनॉक्सेस का, एज वेल एज उसके बाद जो ईस्टर जो इन लोगों का फेस्टिवल होता है, उसमें हमेशा जो है प्रॉब्लम होती है, उनका कैलकुलेशन हमेशा रॉन्ग होता था। इस वजह से ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है इसके ऊपर सुपरसीड कर गया, क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन है वो जो है 400 ईयर पे बेस है, और इसमें लीप ईयर को किस तरीके से प्लेस करना है उसको इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। इसके बाद सारी कैलकुलेशन सही हो जाती है। कहने का मतलब इक्विनॉक्सेस जो है उसका दिन जो होता है उसकी जो तारीख होती है वो सर्टेन होती है। इससे पहले क्या होता था जूलियन कैलेंडर में, वो सर्टेन नहीं होता, वो बता नहीं पाते थे कि ये जो है सर्टेन कब आना है, ठीक है। अब उस पर स्टडी करते हैं कि ये क्यों होता है, ये 400 को हमने मैजिकल नंबर क्यों करा हुआ है। 400 को मैजिकल नंबर इसलिए करा हुआ है कि 400 ईयर्स के बाद ही कैलेंडर रिपीट होता है, आइडेंटिकल होता है। पूरी कैलकुलेशन जो है जूलियन कैलेंडर की वो 400 ईयर्स को बेस बना के करी गई है। वो क्यों करी गई है, कैसे करी गई है, इससे पीछे जो हमने एक टॉपिक आपको बताया था कि 4 साल बाद हमें हमेशा जो है जरूरी नहीं है कि लीप ईयर आए, जो 8 साल का गैप होता था ट्रांजिशन फेज में वो क्यों होता, उसको अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। थोड़ा सा मैं बता देता हूं, 400 ईयर्स है, ठीक है। हमारा पुराना कॉन्सेप्ट क्या है कि हर चौथा साल लीप ईयर होता है। इट मींस अगर 400 ईयर्स की मैं बात करूं तो जो लीप ईयर होना चाहिए वो होना चाहिए 100, ठीक है, और बाकी जो नॉर्मल ईयर जो ऑर्डिनरी ईयर्स होने चाहिए, ठीक है, वो होने चाहिए 300, बट ऐसा नहीं होता है,
आप कैलेंडर उठा के देखिएगा, ऐसा नहीं होता है। ये जो लीप ईयर्स होते हैं यहां पे 100 नहीं होते, ये 97 होते हैं। अगर 400 के पीरियड में आप देखोगे तो 97 लीप ईयर्स होते हैं और 303 ये आपके ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं उस पर्टिकुलर 400 ईयर्स के पीरियड में। इसलिए मैं बोल रहा हूं 400 जो ईयर्स है ये एक मैजिकल नंबर की तरह ट्रीट होता है। ये डिस्क्रिपेंसी क्यों आ रही है यहां पे, ये 97 क्यों है 100 की जगह पे, यहां पे 303 क्यों हो गया है 300 की जगह पे, इस पे मैं चर्चा कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। चलिए, हमने ये माना था कि जो एवरेज ईयर है उसमें कितने दिन होते हैं, उसमें दिन होते हैं 365 डेज एंड 6 आवर्स, मतलब ये हो जाता है आपका 25 आप मानते हो इतने डेज होते हैं, ठीक है, या इसको आप लिख सकते हो 365 एंड 6 आवर्स, ठीक है। ये पूरी कैलकुलेशन जो है ये अप्रोक्सीमेट है, बार बार बोल रहा हूं ये अप्रोक्सीमेट है, ठीक है। एक्चुअल क्या होता है, जो एक्चुअल टाइम लगता है एक साल का, जो सन रिवॉल्व करती है अर्थ रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, जो रिवोल्यूशन का एक्चुअल टाइम होता है, एक्चुअल टाइम जो होता है वो होता है 365.2425 इतने डेज होते हैं, ठीक है। अगर मैं मिनट और घंटे में बात करूं 365 डेज, ठीक है, 5 आवर्स 49 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स, ठीक है, इतना हुआ। कहने का मतलब यह है कि जो कैलकुलेशन इससे पहले करते थे हम, ठीक है, उसमें हम जो है कुछ जो है टाइम को ऐड करते थे, तब हर चार साल पे आपका लीप ईयर आता था, ठीक है। वो कितना टाइम होता है वो देखिएगा, एक साल में जो हम ऐड कर रहे हैं वो ऐड कर रहे हैं, अगर मैं इसको कैलकुलेशन करूं, ठीक है, 365.25 माइनस 365.2425, ठीक है, तो ये आता है जो हम ऐड करते हैं एक्स्ट्रा जो टाइम ऐड करते हैं वो हो गया आपका 0.0075 डेज, इतना टाइम हम ऐड कर रहे हैं पॉइंट में। अगर मैं बात करूं इसमें कि आवर्स और मिनट्स में क्या होगा या फिर कितना यहां पे मैं टाइम ऐड कर रहा हूं, तो आप पाओगे कि 6 आवर्स होना चाहिए, 6 आवर्स में से आप 5 आवर्स 49 में 12 सेकेंड अगर आप माइनस करोगे तो आएगा आपका 10 मिनट्स एंड 48 सेकेंड, ठीक है। ये एक साल में आप जो है एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो ताकि जो है हर चार साल पे आपका लीप ईयर बन पाए, क्योंकि 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 तो आपका एक दिन बन जाता है जो आप जो है चौथे साल में ऐड करते हो। आपने अगर ये एक्स्ट्रा दिया है तो आपको कहीं से ये निकालना पड़ेगा ना इक्विलिब्रियम क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो उसी कॉन्सेप्ट को मैं बता रहा हूं, एक साल के टाइम में, एक साल के पीरियड में जो हम एक्स्ट्रा टाइम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, वो लीप ईयर ताकि चार साल में कैलकुलेट कर सको आप, तो वो क्या कितना टाइम है, वो है 0.0075 डेज, ठीक है, ये एक साल में ऐड हो रहा है, ठीक है। या अगर आप इसे मिनट में और सेकंड में बताओगे तो वो आ रहा है आपका 10 मिनट्स एंड 48 सेकंड्स, ठीक है। एक सिंपल सी कैलकुलेशन आप देखिएगा, ये एक साल के टाइम में हम ऐड कर रहे हैं तो इतना जो है टाइम आ रहा है एक साल में, ठीक है। तो 400 ईयर्स में क्या होना चाहिए, 400 ईयर्स में हमने जो टाइम टोटल ऐड किए हैं अपनी तरफ से वो क्या है, आप मल्टीप्लाई करिए 0.0075 इंटू 400, ठीक है, यहां पे आप ऐड करोगे
10 into 400 minutes, ये दोनों कैलकुलेशन अलग अलग है ठीक है, और प्लस 48 seconds into 400, ये क्या आपका सेकंड है ठीक है, इसको ऐड कर लेते हैं पहले, ये आपका आ गया 0.75 into 4, ये आपका बनता है 3 days, ये पूरी कैलकुलेशन डेज पे 3 days। हमने 400 साल के ड्यूरेशन में पीरियड में जिसे हमने मैजिकल नंबर बताया 400 के इयर्स में, जो 400 इयर्स का पीरियड है उसे मैं मैजिकल नंबर बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, क्योंकि इसी पे ग्रेगोरियन कैलेंडर जो इंग्लिश कैलेंडर है बेस्ड है ठीक है। 3 days हमने जो है टोटल इसको एक्स्ट्रा दे दिया, तो अगर एक्स्ट्रा दिया तो एक्स्ट्रा हमें वापस भी लेना, ये भी कैलकुलेशन करूंगा, 3 days आएगा। आप चेक करिए 4000 minutes प्लस 48 into 400 और 560 ठीक है, मिनट्स आ गया, ये भी मिनट्स आ गया ठीक है, यहां से हमने इसको कट कर दिया, 6 8s ठीक है, आ गया आपका टोटल 4000 मिनट्स प्लस 320 मिनट्स ठीक है, 4320 मिनट्स आ गया ठीक है। इसको जब आर्स में आप करोगे ठीक है, ये आपका आ गया 62 आर्स आ गया ठीक है, 62 आर्स जो हुआ मतलब 3 days, कोई दिक्कत, 3 days हमने इसमें ऐड करे हुए हैं, तो ये 3 days हमें कम भी तो करना पड़ेगा, हमने एक्स्ट्रा दिया हुआ है, अदरवाइज पूरी कैलकुलेशन जो है गड़बड़ हो जाएगी। तो 3 days कहां से हमें निकालना है वो मैं आपको बता रहा हूं। ओके, ओवर 400 इयर्स ऑफ टाइम हमने जो टोटल अपनी तरफ से ऐड करा हुआ जो एक्स्ट्रा दिया हुआ है ठीक है, वो कितना है, वो है 3 days ठीक है। अब इन 3 days को कहां से माइनस करते हैं ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलो एक कोई हम 400 इयर्स का उसमें शताब्दियों को लेते हैं, कौन कौन से शताब्दी है, 1200 से शुरू करते हैं सपोज 1200 ठीक है, उसके बाद 1300, उसके बाद 1400, उसके बाद 1500 ठीक है, इसके बाद अगेन आपका आ जाएगा लीप ईयर सेंचुरी आ जाएगी ठीक है। अब 3 days को हमें माइनस करना है ठीक है, जबकि हमारी कैलकुलेशन क्या कहती है इससे पहले कि हर चौथा साल जो होता है वो लीप ईयर होता है, बट इस केस में ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है क्योंकि 400 के मल्टीपल में होना चाहिए अगर कोई सेंचुरी है, तो ये लीप ईयर नहीं है ठीक है, ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है, ये क्यों लीप ईयर नहीं है, यही 3 days हमने यहां से माइनस करे हुए हैं। 400 इयर्स के ड्यूरेशन में हमें जो थ्री डेज एक्स्ट्रा करे हुए थे पहले जो कैलकुलेशन पे ऐड किए हुए थे, इसको हमने यहां पे माइनस कर दिया, इस वजह से यहां पे फरवरी जो होगी वो 28 days की ही होगी ठीक है, ये फरवरी 28 days का ही होगा, ये फरवरी 28 days का ही होगा ठीक है। ये है आपका रीजन क्यों 1300, 1400, 1500 जो सेंचुरीज हैं वो 4 से डिवाइड तो होती हैं, लेकिन यहां पे लीप ईयर नहीं होता है। अगर ओवरऑल मैं एक ट्रांजिशन फेज की बात करूं तो वो लगभग 8 साल का गैप होता है, आप देखो 1296 ठीक है, 1296 जो है एक लीप ईयर था ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1304, सॉरी 1303, 1304 ठीक है, ये लीप ईयर 1304 है, बीच में ये जो है ठीक है ये लीप ईयर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें से हमने जो अभी कॉन्सेप्ट बताया हमने यहां से जो है लीप ईयर निकाल लिया, लीप डेज जो लीप डे था वो निकाल दिया ठीक है, हमें बराबर करना था।
ठीक है, यहां पे इस वजह से 28 दिन की ही फरवरी होगी 1300 में। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। यही आंसर है हमारा कि हर 400 साल के बाद आइडेंटिकल कैलेंडर की अगर आप बात करते हो, आइडेंटिकल कैलेंडर की अगर आप बात करते हो तो हर 400 इयर्स पे ये रिपीट होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर 1201 ईस्वी से लेके, ठीक है, 1599 की अगर मैं बात कर लूं, ठीक है, तो इसके बाद जो आएगा 1601 से लेके, ठीक है, 1999 तक ये कैलेंडर सेम होगा। ठीक है, कोई एक और एग्जांपल ले लो, कोई भी आप ले लो, आप ले लेते हो 1977, ठीक है, इसमें 400 प्लस कर दो, ठीक है, 2377 का जो कैलेंडर होगा वो 1977 के कैलेंडर से मैच होगा, इसमें कोई फंडफक नहीं है। 400 इज द मैजिकल नंबर कि वो बहुत सारी चीजों को यहां पे आपको समझने में आसानी होगा अगर 400 के पूरे पीरियड को आपको आप लेके चलते हो तो। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर इसी पे बेस्ड है। इसके बाद ही उन्होंने सही कैलकुलेशन लगाना शुरू करा कि इक्विनॉक्सेस जो होंगे वो हमेशा एक सर्टेन डेट पे आते हैं, जो कब होता है, 20 मार्च को और 23rd सितंबर को। ठीक है, ईस्टर का सही कैलकुलेशन उन्होंने करना शुरू कर दिया। इसी वजह से ये कैलेंडर जो है सबसे ज्यादा जो है यूज किया जाता है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, वीडियो काफी बड़ी हो रही है, आगे जो मैं कैलकुलेशन बताऊंगा वो आपको फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन होगा। ठीक है, वो अगले वीडियो पार्ट 3 में मैं बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।